प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? न्यूमेरिकल्स यूनिट सेकंड चैप्टर 2A सरल रेखा में गति। बच्चों, न्यूमेरिकल कराने का तरीका हमारी क्लासरूम टीचिंग है। हम डिक्टेट करेंगे पहले न्यूमेरिकल को, फिर सॉल्व करेंगे, और छूट जाए तो वीडियो से पहले और वीडियो के बाद में हम इसे आपको इसे स्टिल और पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एक पिंड 10 सेकेंड में R त्रिज्या के वृत्तीय पथ को पूरा कर लेता है। पैंतीस सेकेंड के पश्चात पिंड की दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। पिंड की दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। ये एक वृत्त है, इसका सेंटर है, ए बिंदु पे है इस समय, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ये ए बिंदु है आपका, यहां पे 0 सेकंड पे है, फिर 10 सेकंड बाद आएगा, 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, फिर 20 सेकंड में आएगा, फिर 30 सेकंड में आएगा, और अगले 5 सेकंड में बी बिंदु पे आ जाएगा, 35वें सेकंड में यहां पे आ जाएगा। देखो, 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, ए से 0 सेकंड पे शुरू हुआ, 10 सेकंड बाद ए पे आ गया, ठीक है, फिर 20 सेकंड बाद ए पे आ गया, फिर 30 सेकंड बाद ए पे आ गया, और नेक्स्ट 5 सेकंड में आधा वृत्त पूरा करेगा, तो ये 35 सेकंड पे ए बिंदु पे आ गया। ठीक, तो दूरी कितनी हो जाएगी इसके बीच में? 2πr, इसके बीच में 2πr, इसके बीच में 2πr, मतलब एक चक्कर पूरा करने में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी चलता है। तो 10 सेकंड में 2πr, 20 सेकंड में 2πr, 30 सेकंड में 2πr, और 35वें सेकंड में πr, आधा 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr प्लस πr, 7πr। विस्थापन कैसे होगा? विस्थापन ए बिंदु से चला, बी बिंदु पर पहुंचा, तो न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? व्यास के बराबर। आर प्लस आर कितनी दूरी होगी? 2R। ये पहला न्यूमेरिकल है, राइट? दूसरा न्यूमेरिकल, एक विद्यार्थी जो अपने घर से विद्यालय जो कि 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि 2 किलोमीटर दूरी पर है, की ओर दौड़ता है, वह 30 मिनट में विद्यालय पहुंच जाता है, विद्यालय को बंद देखकर तुरंत वापस अपने
घर की ओर दौड़ता है, घर की ओर दौड़ता है और 15 मिनट बाद अपने दोस्त के घर पर रुकता है, जो बाजार से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल तथा औसत वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये घर है। घर से विद्यार्थी कहां जाता है? विद्यालय। ये इसका विद्यालय है। ये कितने किलोमीटर दूर स्थित है? 2 किलोमीटर। विद्यालय को बंद देखकर वो वापस आता है दोस्त के घर। जो कितने किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर दूर। उसे जाने में 30 मिनट लगते हैं T1, और यहां विद्यालय से दोस्त के घर तक आने में 15 मिनट लगते हैं। तो दूरी कितनी होगी? कुल दूरी 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वापस आया, 1 किलोमीटर सॉरी, तो दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। समय 30 मिनट जाने में लगा, 15 मिनट आने में लगा, 45 मिनट। 45/60 घंटा, 3/4 घंटा, 15 × 45 = 60। अब औसत वेग कितना हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। तीन किलोमीटर 3/4 घंटा, तो औसत वेग कितना हो गया बेटा? 3 × 3 = 4 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विस्थापन कितना होगा? देखो बेटे, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। ये 2 किलोमीटर था, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी? 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर वापस माइनस कर देंगे, दोस्त के घर और घर के बीच की दूरी उसकी कितनी है? 1 किलोमीटर। कितनी दूरी मिली बेटा हमें? 1 किलोमीटर। अब इसे वैसे हम इसे कैलकुलेट करना चाहे तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 किलोमीटर - 1 किलोमीटर कितनी आ गई? 1 किलोमीटर। समय तो मेरे पास 3/4 घंटा है। औसत वेग कितना हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन आपके पास 1 किलोमीटर है और ये कितना है? 3/4 घंटा, 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। बच्चों, जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है बेटा, आपके सभी चैप्टर्स पूरे चैप्टर वाइज वीडियो भी उपलब्ध है, न्यूमेरिकल उपलब्ध है,
प्रैक्टिकल्स उपलब्ध हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक उपलब्ध हैं, तो बेटा आपको मेरे चैनल पे सब कुछ मिलेगा। तीसरा न्यूमेरिकल, एक रेलगाड़ी ए, कैपिटल ए, एक रेलगाड़ी ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, फुल स्टॉप। एक अन्य रेलगाड़ी बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से ए की ही दिशा में गतिमान है, ए की ही दिशा में गतिमान है। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, रेलगाड़ी ए का रेलगाड़ी बी के सापेक्ष वेग, रेलगाड़ी ए का रेलगाड़ी बी के सापेक्ष वेग। सेकंड पॉइंट, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष वेग। प्रश्न नंबर तीन है, दो रेलगाड़ी जा रही है ए और बी, इसका वेग कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका वेग है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में गतिमान है, पहला पॉइंट। वीएबी, रेलगाड़ी ए का रेलगाड़ी बी के सापेक्ष वेग, वीएबी क्या हो जाएगा? ये वीए माइनस वीबी, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तो ये जगह 60 माइनस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वीबीए, रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष वेग, वीबी माइनस वीए 50 माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर तक चलती है, यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले शहर वापस लौट आती है, कि चाल से पहले शहर वापस लौट आती है। कार की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए, कार की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। ये कार जा रही है ए बिंदु से V1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, फिर वापस आ रही है, सॉरी 40, और लौटते वक्त कितने वेग से आ रही है? V2 इज इक्वल टू कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, B से।
ए शहर से बी शहर जा रही है, जाते वक्त वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, आते वक्त कितना है, तो कुल दूरी कितना चलेगा, ए से गया और बी पे वापिस आ गया, कुल दूरी कितनी हो जाएगी। माना दोनों शहर की दूरी x है, तो x प्लस x कितनी होगी, 2x। समय ए से बी t1 इज इक्वल टू, समय क्या होगा, दूरी बटे वेग। समय b से a t2, दूरी बटे वेग। कुल समय t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। औसत वेग, औसत चाल, कुल दूरी कितनी है, दूरी बटे समय, कुल दूरी 2x, कुल समय x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, कितना हो जाएगा बेटा ये 2x, x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, एलसीएम ले लिया, x से x कट गया, तो औसत चाल कितनी आ गई मेरे पास, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 40 60, 40 प्लस 60 100, 2 40 इंटू 60 बटे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 जीरो कट गया, 6 24 48 किलोमीटर प्रति घंटा। विस्थापन कितना होगा यहां पे, विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जिस बिंदु से चला था, ए शहर से चला था, ए शहर पे वापस आ गया, तो औसत वेग कितना हो जाएगा, विस्थापन बटे समय 0.t 0। बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी, न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन दोबारा मैं फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने करे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे भी स्टिल और पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर बिगनिंग में नहीं सही ढंग से दिखाई दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।